पाकिस्तानी ऐसे तो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, दैट इज फैंटास्टिक। इसको मैं कहता हूँ लाहौरी चूरन, लेकिन हकीकत में भूखे मर रहे हैं। भूखे सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। अच्छा बात नहीं है। बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब इनके दावों की जांच की जाती है ना, तो अंदर से पूरी तरीके से खोखले होते हैं, जैसे कोई दीमक आके इनको चाट गई हो। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। नंगापन आ रहा है, जो आज से 100 सदी पिछले था। घास खाएं और गुजारा करें, यही तो कयामत है। इन भूखे नंगे कंगलों के पास में अपनी एम्बेसी चलाने के पैसे तक नहीं है। पाकिस्तानी सफारत खाने की तारीखी और कीमती इमारत फरोख कर दी गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने की तारीखी इमारत की फरोख का अमल मुकम्मल है। अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसको हमने सेल कर दिया। जी हाँ, US में इनकी एम्बेसी के खर्चे तक नहीं उठा पा रही है पाकिस्तान की सरकार। हुकूमत को टैक्स की मद में लाखों डॉलर्स अदा करने पड़ रहे थे। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत 7.1 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। तो इन भूखे नंगों ने उस एम्बेसी को अमेरिका को बेच दिया। इमारत की फरोख्त के लिए बोली लगाई गई और इमारत 7.1 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वाह। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई। एक छोटे आइलैंड के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी बुरी बुरी है। और इतना बड़ा कांड हो जाए और पाकिस्तान मीडिया रोए ना, ये कैसे हो सकता है भाई? हो नहीं सकता। और रोते हुए पाकिस्तानी आपको भी बढ़िया लगते हो, मुझे भी। ये कभी पुराना हो नहीं सकता। तो चलते पाकिस्तान। मुल्क के अंदर तो आप जानते ही हैं, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो पार्क हो, वो तो हम चाइना को और कभी UAE को देते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जो बाहर प्रॉपर्टीज हैं उनको भी पाकिस्तान की बेचा जा रहा है। तो जी अभी तक अमेरिका में जो एम्बेसी हमारी रही है उसको हमने जो है वो सेल कर दिया 7.1 मिलियन डॉलर्स में। अब एम्बेसी वाले क्या करेंगे? अब सोचने वाली बात है, अगर पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी बेच दी है तो लोग वीजा लेने जाएंगे। एम्बेसी के बहुत 50 काम होते हैं, US की एम्बेसी है तो वहाँ पर आरजू जी, ये तुम्हारे एम्बेसी के कारकुन काम कैसे करेंगे? कोई नहीं जी, कहीं भी दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे चेयर्स लेके और छतरी वतरी लगा के, उसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं। हमने देखा नहीं वो जो लॉयर्स बैठते हैं, छोटे छोटे लॉयर्स होते हैं ना जिनके ऑफिस नहीं होते, तो वो अम्ब्रेला लगा के और 2 चेयर्स रख के और जी आ जाओ जी आ जाओ जी, तो बिल्कुल इसी तरीके से 2-3 चेयर्स रखेंगे, बीच में एक टेबल होगी और एक अम्ब्रेला लगा के आओ जी, किस किस को पाकिस्तान का वीजा चाहिए, लोग कहेंगे लो जी भाई। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कुछ इस तरह से हम ऑफिस चला सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो मेरा ख्याल है खर्चे कम हो सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बिल्डिंग को हमने जो है ठिकाने लगा दिया है और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, एक तो होते हैं चूतिया, एक होते हैं महाचूतिया और एक होते हैं अखंड चूतिया। जो अखंड चूतियों की लिस्ट में आते हैं वो है पाकिस्तानी, और इस पाकिस्तान की सरकार ने क्या अखंड चूतिया पर किया है आप भी सुने। साथ हम आपको एक खबर और बताते चलें कि जी पाकिस्तान ने ये भी अनाउंस किया है कि हम जो है मतलब सिटीजनशिप देंगे लोगों को। जी हाँ, यानी जो भी इंसान किसी भी कंट्री का पूरी दुनिया में से अगर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देगी। मतलब ये कि मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग कौन सा नशा करने लगे, इसलिए कि कोई भी नशा इतना तेज नहीं होता जिससे इस किस्म की बातें करना लोग शुरू कर दें। यानी कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो अपना पैसा लेके बाहर भागने के चक्कर में कि किसी तरीके से कोई दूसरी कंट्री उनको रख ले, चाहे वो थोपिया ही क्यों ना हो, वो उनको बुला ले और वहां पर कह के जी सिटीजनशिप ले लो और यहाँ रह जाओ, और यहाँ के सारे पाकिस्तानी जो है 99.9 कीटाणुओं की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी सिटीजन की। आपको आप लोगों का दिमाग जो है ना बस वो एड में घूमता रहता है, वो जो कीटाणु आ रहा है कि 99.9 कीटाणु जो है वो उससे खत्म हो जाते हैं, वो जो एक कीटाणु रह जाता है ना वो हम ही लोग हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि खैर इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि 99.9 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, और अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा है तो वो ये चाहता है कि वो अपना पैसा लेके किसी महफूज कंट्री में चला जाए और वहां जाके इन्वेस्टमेंट करे या वहां जाकर रहे, वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजारे।
और हमारी गवर्नमेंट जो है वो न जाने कौन सा जो है ना वो सूंग सांग के बैठी है या पता नहीं क्या के पी कर बैठी है कि इनका कहना ये है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी ऐसा है जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्ट रखता है, मतलब हो सकता है भाई पागलों की कमी थोड़ी है, लेकिन ये कि मतलब मेरा मतलब है हो भी सकता है ना भाई, कोई सोच भी सकता है चलो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अगर आएंगे तो हम उन्हें सिटीजनशिप दे देंगे। मतलब हम अपने ग्रीन पासपोर्ट को रो रहे हैं कि इसको बदल के ब्लू कैसे कर दें, और वो लोग यहाँ आके सिटीजनशिप ले लेंगे, हम उन्हें पासपोर्ट भी देंगे, आईडी कार्ड भी देंगे, हम उन्हें जी बड़ा कोई बड़ी दुआएं भी देंगे, आ जाए बस कोई अल्लाह का बंदा। तो जी देखें क्या होता है, बहरहाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। चाचा सऊदी अरब वाले भाइयों ने कैसे फटका लगाया जरा बताइए हमें भी। देखिए ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है। जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा 48 मिलियन डॉलर का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे, और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स आज पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते, और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर वन देश बने। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर वन देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्रहित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा, तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा, तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा कतई नहीं। IMF से भीख मिलने के बाद में हिलाली का पारा हाई वोल्टेज पे एकदम। मैं तो पूछना चाहता हूँ कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई और कुछ नहीं सीखा, तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है, किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? भीख लेने के लिए नाक से लकीरें तक निकालने के लिए लोग तैयार रहते हैं। कौन से मुसलमान है ये? तो लानत है पाकिस्तानी तुम पे, लानत है। तो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, इन पाकिस्तानियों को लानत से बहुत चिढ़ लगती है, इसलिए सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर लानते ही होनी चाहिए। छोटी लानत दो, बड़ी लानत दो, मीडियम लानत दो, लार्ज मानत दो, एक्स्ट्रा लार्ज दो, डबल एक्सएल दो, ट्रिपल एक्सएल दो, जितने भी लानते आप इन पाकिस्तानियों को दे सकते हैं जरूर दे। ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।